नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार और बहुत ही मतलब यूनिक लुक वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है। कंपनी का नाम है ज़िलियो और स्कूटर का नाम है लेवेंडर प्लस। ये देखिए आपको जिस तरह से दिख रहा होगा 3D क्रोम में बना हुआ काफ़ी अट्रैक्टिव स्कूटर है। तो पूरी डिटेल वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, क्या प्राइस है इसका, क्या रेंज है और बैटरी कितना बैकअप देती है, कितने समय में चार्ज होता है, सारे स्पेसिफिकेशन इस स्कूटर से रिगार्डिंग इस वीडियो में करने वाला हूँ कवर। तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं शोरूम पर विजिट किया था, लेकिन जब मैंने ये स्कूटर देखा खड़ा हुआ तो दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया और सोचा कि आपके लिए एक बेहतरीन स्कूटर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा इसके फ्रंट व्यू से। काफ़ी अट्रैक्टिव दिया है, क्रोम का वर्क दिया है, जो इसकी हेडलाइट है स्प्लिट में हेडलाइट देखने को मिलती है जिस तरह से दिख रहा होगा आपको, और पूरी तरह से LED में है और काफ़ी अच्छा थ्रो राइट में नाइट में इसका रहने वाला है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, क्रोम का थोड़ा सा काम मिल जाता है इसके अंदर। देखिए क्रोम का थोड़ा सा स्ट्रिप लगी हुई है और ये आ जाते हैं LED में इसके DRL। LED में ही इसके इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं, मैं जलाकर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों LED में इसके इंडिकेटर है और इंडिकेटर के साथ इसके अंदर साउंड भी इंक्लूड की गई है। फ्रेंड्स इंडिकेटर साउंड के बाद मैं नीचे की तरफ बढ़ता हूँ और ये नीचे की तरफ आ जाता है इसका जो मदगार्ड है फ्रंट वाला, जो कि फाइबर में है और अनब्रेकेबल प्लास्टिक, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जो टायर सेटअप है वो 90x90 12 इंची का इसका व्हील साइज, काफ़ी मतलब बड़ा टायर आगे का फ्रंट वाला देखने को मिल जाता है। और दूसरी चीज़ ये और गाड़ियों से क्यों बेहतर है, इसका जो टायर सेटअप है यानी कि आगे और पीछे का डनलप यानी कि अच्छी कंपनी के इसके अंदर टायर ग्रिप वाले टायर लगे हुए हैं। और दूसरा फंक्शन मैं आपको बताऊं, इसके अंदर मिल जाते हैं कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, जो कि एक्टिवा और जो पेट्रोल स्कूटर्स में है उसमें देखने को मिलता है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब आप पीछे वाला ब्रेक दबाओगे ना रेयर वाला, तो आगे का भी ब्रेक जिस तरह से आगे का भी 30% उसमें मतलब आपका काम करेगा, यानी कि आपकी गाड़ी स्किड वगैरह नहीं होगी। ये देखिए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए, और ये मिल जाता है आपका स्टिकर फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक ज़िलियो, यानी कि आने वाला जो भविष्य है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक स्कूटर का होने वाला है। ये 2023 चल रहा है, 2028 तक देखिए हर घर में इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत बन जाएगा। अब आ जाते हैं मीटर कंसोल और इसके हैंडल बार की तरफ, मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस है, इसमें बैटरी का इंडिकेशन आ जाता है, ज़िलियो की ब्रांडिंग आ जाती है और आपका मिल जाता है गियर शिफ्टिंग वाला बटन। ये देखिए ये दिख रखा है, देखिए 2, 3, 4 मतलब इसमें आपको मतलब स्पीड चेंज होती है, अगर 1 पे चलाएंगे तो कम चलेगा, 2 पे चलाएंगे उससे तेज चलेगा और 3 पे चलाएंगे तो सबसे तेज चलेगा। पार्किंग मोड देखने को मिला, इसको हटाने के लिए यहाँ बटन दिया गया है। ये देखिए ये पार्किंग मोड को हटाने के लिए ब्रेक, ये देखिए हट गया और रेडी के लिए आपका चलने के लिए स्कूटर तैयार हो गया है। और हाई बीम लो बीम का इंडिकेशन मिल जाता है और टर्न इंडिकेटर का इसके अंदर इंडिकेशन मिल जाता है। देखिए पूरी तरह से डिजिटल मीटर देखने को मिलता है और जो इसमें बटन है वो आपका हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर, देखिए रिवर्स वाला मोड भी इसमें देखने को मिलता है। हॉर्न काफ़ी ज़बरदस्त है और मैं बता दूँ आप चाहें तो इसकी दिन में लाइट बंद कर सकते हैं और DRL भी ऑन और बंद कर सकते हैं दिन में। ये देखिए और क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में देखने को मिलता है और ये शिफ्ट वाला बटन तो गियर वाला मैंने बता ही दिया है। और इसकी की मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए एंटी थेट वाली जो की होती है प्रीमियम क्वालिटी की वो दी गई है और रिमोट सेंसर वाला फंक्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है। ये आ जाता है इसमें यूटिलिटी बॉक्स, बहुत आजकल बहुत कम स्कूटर्स में देखने को मिलता है, यहाँ पर अपना सामान वगैरह आप रख सकते हो। और ये देखने को मिल जाता है हुक, अगर आप सामान वगैरह भी लटका सकते हैं अगर मार्केट जाते हैं तो। और यहाँ मिल जाता है इसका चार्जिंग सॉकेट, ये देखिए यहाँ से भी बैटरी चार्ज होगी। और ये आ जाता है इसका लेग स्पेस, जो कि काफ़ी स्पेसियस है, यानी कि यूटिलिटी बॉक्स लगने के बाद भी इसका जो लेग स्पेस है काफ़ी स्पेसियस है, यानी कि आप अगर घर के पर्पज़ से ले रहे हैं अपने और फैमिली के पर्पज़ से ले रहे हो तो गैस का सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर होता है गैस का वो भी आ जाएगा और काफ़ी सामान आप कैरी कर सकते हो, मतलब फैमिली के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की इसकी सीट मिल जाती है, यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो 3 लोग भी इसकी सीट पर आराम से बैठ सकते हैं और कुशनिंग भी सीट की काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब मैं इसका बूट स्पेस दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इसका बूट स्पेस है, यानी कि काफ़ी आपका हेलमेट वगैरह थोड़ा बहुत सामान भी आ जाएगा। ये आ जाता है इसका चार्जर, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मतलब आपका 4 से 5 घंटे में स्कूटर पूरी तरह से चार्ज कर देगा ये चार्जर। ये देखिए ये आ जाता है MCB, यानी कि अगर इमरजेंसी में अगर आप 1 महीने के लिए स्कूटर खड़ा कर रहे हैं तो ये बंद करके आप अपना स्कूटर खड़ा कर सकते हो, ये क्योंकि पूरी पावर कट कर देता है। ये देखिए कुछ इस टाइप से है, मैं बंद कर देता हूँ। पीछे आ जाती है सिल्वर कलर की ग्रैब रेल,
जो कि मेटल में है, काफ़ी मजबूत है और थोड़ा सा कैरियर भी दे दिया है। मतलब आपका जो फैमिली पर्पस से आप स्कूटर ले रहे हो तो पूरी तरह से मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। यानी कि यहाँ रख गए आपके कागज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यहाँ आ गया सामान, और अगर ज़्यादा सामान है, अगर त्योहार वगैरह के सीज़न में स्कूटर को चला रहे हो तो यहाँ आप सामान बांध भी सकते हो। बैक प्रोफाइल काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरी तरह से एक्टिवा 125 cc जो स्कूटर आता है उसकी तरह मुझे लग रहा है। ये देखिए मैंने जलवा के दिखाया, काफ़ी LED में दिया है इसका बैक प्रोफाइल, इंडिकेटर और बैक लाइट जो है वो LED में देखने को मिलते हैं। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। यह आ रहा था पीछे का मदगार्ड, जो कि ये भी मुझे अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में लग रहा है। दोस्तों मैं बता दूँ, यह आ रहा था इसका रिफ्लेक्टर दो, और काफ़ी हैवी क्वालिटी की इसमें हब मोटर लगी हुई है। और ये देखिए याद आते हैं इसके सस्पेंशन, दो सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो कि स्प्रिंग लोडेड हैं, ये ज़ीलियो के ब्रांडिंग। और ये देखिए ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है मुझे देखने में। मैंने टायर का तो बता दिया, डनलप के इसके अंदर टायर देखने को मिलते हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी कि धच्चियों वगैरह पर ये गाड़ी आपकी लगेगी नहीं। फ्रेंड्स मैंने इतनी क्वालिटीज स्कूटर के बारे में बता दी थी, अब मन में ये सोच रहे होंगे यार कितना महंगा हो गया स्कूटर। सच में अगर आप कंपेयर करोगे ना इस क्वालिटी में और स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर से, तो ये सच में बेहद 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 सस्ता है। सिर्फ ये स्कूटर आपका हो जाने वाला है 65,500 रुपये में। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए कार्ड है केला सन्स, इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम का नाम है, और ये पड़ता है आपका इन फ्रंट ऑफ शिवा बाजार, दुबे का पड़ाव, अलीगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ। फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप इस स्कूटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी बेहतर स्कूटर लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये आ जाता है इसका साइड स्टैंड, मिडिल स्टैंड, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, और ये आ जाता है पैर रखने की जगह, और इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है दोस्तों, यानी कि अगर आपका खुला रह गया तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। और ये आ जाता है इसका फुट रेस्ट, जो कर आपका फीमेल वगैरह कोई बैठा हुआ है तो यहाँ पर वो पैर रख सकता है। ये देखिए साइड से देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, और ये स्कूटर अगर आप अपने घर लेकर जाना चाहते हो तो इस शोरूम पर विजिट करें, नंबर पर मैंने दिखाई दिया है, फ़ोन करके इस स्कूटर के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।